एतराज की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। तुम्हें पता है, जब मरने वाले को थोड़ी सी ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो ऑक्सीजन कहीं से मिल रहा हो ना, तो उसके घर वाले अपनी सारी जायदाद लुटा पुटा के कुछ भी करके उसे वो ऑक्सीजन ला के देते हैं। बुढ़िया इस वक्त उसकी मोहब्बत से तो क्या, उसके दुश्मन से भी हाथ मिला लेगी। देखने वाली हालत थी यार, ऐसे लग रहा था जैसे मखमल का कपड़ा कांटों पे से गुजर रहा हो। क्या हाल हो गया था सबका। वाह वफा वाह, कमाल हो गया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, मजा आ गया। अभी तो सिर्फ उनकी अकड़ टूटी है, कमर तोड़ना अभी बाकी है। बहुत नाज है ना उन्हें अपनी तरबियत के ऊपर। उनके दोनों बेटे उनकी उम्र भर की कमाई हुई दौलत है। उन्हीं की नजरों के सामने उनकी दौलत लूटूंगी मैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बस एक बात बता वफा, ये तो दो दो सौतनों को बर्दाश्त कैसे करेगी उस घर में? बर्दाश्त मैंने उन्हें नहीं, उन्होंने मुझे करना है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। वैसे वफा तो उस घर में चली तो जाएगी, मगर तुझे अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा वहां। वफा कोई भी खेल अंजाम का सोच के शुरू नहीं करती, क्योंकि जिस खेल में अंजाम का पहले से पता हो वो खेल खेल नहीं रहता, शर्त बन जाता है। और वफा शर्त नहीं लगाती, चैलेंज करती है। वेल प्लेड मेरी जान, वेल प्लेड।